नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ रोल ऑफ मल्टीमीडिया इन ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग के अंदर मल्टीमीडिया का क्या रोल है उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सिस सब्जेक्ट कोड वन जीरो वन सेफ्टी मैनेजमेंट उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहता है रोल ऑफ मल्टी इन ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग ट्रेंड टू रिमेंबर फिफ्टी ऑफ वॉट ही सी एंड हियर्स and 70% of what he see and talks this is possible by audio visual aid only television and video effectively reproduce actual happening yani ki training jo हम लोग देते हैं किसी को तो उसमें से 50 परसेंट लोग जो है वो देख के या सुन के उसमें से प्रॉपरली लिसनिंग कर सकते हैं देख सकते हैं सेवेंटी परसेंट पीपल जो है वो कुछ उसमें देखते है कुछ बातें करते है कुछ बातें उसको अंडरस्टेंडिंग होती है कुछ नहीं होती है तो ऑडियो विजुअल जो एड है उसमें भी कुछ पॉसिबिलिटी इस टाइप की रहती है और हम लोग अगर ट्रेनिंग जो है वो टेलीविज़न के द्वारा उसमें जो वीडियो रहता है वो एक इफेक्टिवली रहता है जिसके अंदर आप रिपीटेटिवली उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने का यानी कि फिर से आप अगेन एंड अगेन उसमें देख के एक्चुअल जो आपको ट्रेनिंग देना है एक्चुअल हैपनिंग जो करना है वो आप उसके ज़रिए यानी कि टेलीविजन या वीडियो के ज़रिए इफेक्टिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं देर फॉर सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बाय सेफ्टी फिल्म ऑन टीवी, यानी कि इसकी वजह से सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो फिल्म ऑन टीवी के द्वारा दी जाती है इज़ द मोस्ट पावरफुल मेथड यानी कि ये जो है एक पावरफुल मेथड है जो कि फिल्म टीवी पे जो दिखाया जाता है जो कि एक आँखों से देखना है और कानों से सुनना है तो जो ये चीज़ जो है एक पावरफुल मेथड है ओनली डिफेक्ट डिफेक्टली इज इन गेटिंग सेफ्टी फिल्म और सेफ्टी वीडियो कैसेड इजीली एंड फ्रीक्वेंटली दिस शुड बी मेड पॉसिबल इफ वी विश टू यूटिलाइज इट्स फुल रोल इन इंक्रीजिंग सेफ्टी यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी जिस जितनी भी है उसको यूटिलाइज प्रॉपर करना है हमें और इसके जरिए हम जो है सेफ्टी को इंक्रीज कर सकते हैं स्लाइड फिल्म स्ट्रिप एंड transparents are easily available or prepared and therefore they should be used to die extent possible to hold the picture to discuss and understand it in detail which it is not possible with a moving film yani ki moving film jo hai uske zariye aap वो video जो है वो continuous चलता रहता है तो आप उसमें देख सकते हैं हो सकता है कि उसमें कुछ छूट जाए तो यहाँ पे आप स्लाइड बना के या तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो अभी रिसेंटली चल रहा है उसको आप स्लाइड बना के एक टॉपिक पे प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं और जो उसमें से समझने का है उसको समझाने का है वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली आप उसके जरिए कर सकता है जो कि वो मूविंग फील्ड में पॉसिबिलिटी नहीं होती है इसके लिए आप स्लाइड के जरिए भी कोई टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं और उसके जरिए आप अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपरली कर सकते हैं और डिटेल में भी आप जो बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं मॉडर्न मीडिया इज ए क्लोज सर्किट टेलीविज़न यानी कि अभी जो मॉडर्न मीडिया जो चल रहा है वो क्लोज सर्किट टेलीविज़न है टेली ट्रैवलिंग यूनिट्स आर कंप्लीट टेलीविजन स्टूडियो इन देम एंड हैव ऑप टू डेट इक्विपमेंट विद द कंट्रोल रूम हाउस इन ए सिंगल व्हीकल देर आर फिक्स्ड एंड मूविंग कैमराज टेलीसीन इक्विपमेंट एंड वीडियो टैप रिकॉर्डर एंड मॉनिटर स्क्रीन विच कैन बी इंस्टॉल अप टू 500 मीटर अवे फ्रॉम द स्टूडियो यानी कि स्टूडियो से आप 500 मीटर दूरी पे कैमरा लगा सकते हैं उसके जरिए आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग करना है वो हो सकता है आपको कोई इक्विपमेंट का सीन देखना है आपको उसका क्या चल रहा है वहां पे इक्विपमेंट प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं चल रहा है सेफली है नहीं है तो जो वो है वो आप मूविंग कैमरा के जरिए भी देख सकते हैं और फिक्स करके भी देख सकते हैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी मॉनिटरिंग स्क्रीन पे आप कर सकते हैं यूजिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड साइड कैमराज यानी कि आप दोनों साइड यूज कर सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड कैमेरा जो है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एक्सटेंसिव सेफली प्रोग्राम कैन बी ब्रॉडकास्ट थ्रू द क्लोज नेटवर्क यानी कि क्लोज नेटवर्क के द्वारा आप प्रोग्राम को ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं सच यूनिट कैन बी हायर ऑल्सो यानी कि कुछ जो आपको यूनिट जो है वो आप हायर करके भी कर सकते हैं थैंक यू दोस्तों